अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हादी सेहत में वेलकम। मेरा नाम हकीम नासर बिन हास है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे इस वीडियो में जिस मर्दाना मसले पर बात करूंगा वो है सूरत इंजाल। सूरत इंजाल एक ऐसा मर्ज है जिसमें आजकल बहुत से लोग मुब्तला हैं। बाजार तो सूरत इंजाल के मरीज देखने में तंदुरुस्त नजर आते हैं लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। सूरत इंजाल के मर्ज का ताल्लुक नफ्सियात से होता है। ज्यादातर सूरत इंजाल के मरीज शर्मिंदगी की वजह से अपनी बीमारी का जिक्र किसी से नहीं करते और दिन ब दिन खुद को तबाह कर लेते हैं। बहुत से मरीजों को सूरत इंजाल की वजह ही मालूम नहीं होती। इसकी असल वजह इंसान की सोच का मनफी होना है। जब इंसान की सोच मनफी होगी तो इसके जिस्म से निकलने वाला हर अमल हर फेल भी मनफी ही होगा। सूरत इंजाल की अहम वजह इस माशरे में गलत मालूमात हैं जो मालूमात हकीकत पर मबनी नहीं है बल्कि झूठ पर मबनी है। फास्ट फिल्मों का सूरत इंजाल के मरीजों के जहन पर बहुत बुरा असर पड़ता है क्योंकि ऐसे मरीज सोचते हैं कि इस वीडियो में वो 30 मिनट तक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नाज़रीन, अल्लाह ने हर इंसान की ताकत उसके जिस्म के मुताबिक रखी है। ये जरूरी नहीं है कि सबके इंजाल का वक्त बराबर हो। इंसानी जिंदगी में जिनसी मिलाप बहुत अहमियत का हामिल है। जिनसी मिलाप सिर्फ इसी सूरत में फायदेमंद होता है जब औरत और मर्द दोनों को लज्जत हासिल हो और इनके आसाब को सुकून हो। बाज़ुकात मर्द का जिनसी मिलाप में दाखिल होने के फौरन बाद या इससे कबल मादे मन में खारिज हो जाता है, इसे सूरत इंजाल से मासूम करते हैं। सूरत इंजाल एक ऐसा अर्जा है जो हम बिस्तरी के फेल की तकमील नहीं होने देता और इस तरह फ्रिकेट जहनी और जिनसी तस्कीन से महरूम रह जाते हैं और मर्द को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। औरत पर इसका बहुत नागवार असर पड़ता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जमा की तबीयी मुद्दत 2 से 5 मिनट है। अगर जमा की टाइमिंग इससे कम हो तो इस बीमारी को सूरत इंजाल कहते हैं। सूरत इंजाल के बहुत से असबाब हैं जैसे जिस्म में खून की ज्यादती होना, अज़ाए रईसा का जोफ होना, जोफ़ एसाब, शहवत में ज्यादती, बदन में गर्मी, सोजाब, जगावत हिस, मनी की कसरत, रिक्कत मनी, मुश्तनी, इतलाम, कसरत जमा, खराश या वर्म मसाना, पेशाब की नाली में सोजिश, पेट में कीड़े, बवासीर, बाज़ नफ्सियाती मसाइल जैसे टेंशन, गुस्सा, जीवन साथी से नफरत, बुरे ख्यालात के बारे में सोचना, उज़्वे ख़ास की खराबी या इस पर चोट लगना, गर्म अज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल इसके असबाब में शामिल है। नाज़रीन, इसके अलामात दर्जा ज़ैल हैं। मुबाशिर से पहले या दखूल के फौरन बाद बल्कि महज किसी जिनसी ख्याल आने या जिस्म के साथ कोई चीज मस होने से ही इंजाल हो जाता है। गाय कामिल इंतशार भी नहीं होता और बगैर इंतशार के ही इंजाल हो जाता है। इंजाल के बाद मरीज नादिम और परेशान हाल नजर आता है। मरीज तन्हाई पसंद हो जाता है, जमा करने से हिचकिचाता है। अब मैं आपको नाज़रीन सूरत इंजाल के इलाज के बारे में बताता हूँ। सूरत इंजाल के इलाज की तरफ जल्द तवज्जो देनी चाहिए। सूरत इंजाल हो तो कसरत जमा जब से बचने, ज्यादा गर्म गुज़ाओं का इस्तेमाल ना करें, शराब तम्बाकू और सिगरेट नोशी से परहेज करें। सूरत इंजाल के मर्ज से निजात हासिल करने के लिए आज हादी दुखाना तशरीफ लाएं। हादी दुखाना पर सूरत इंजाल का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। हादी दुखाना पर ऐसी मुजरब अक्सर अद्वियात तैयार की जाती हैं जो सेहत से मुकम्मल पाक हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। अल्लाह हाफिज़।